हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेडपुल मर्स विद द माउथ का लास्ट एपिसोड। और ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछली बार खत्म हुआ था, यानी कि जॉम्बी डेडपुल के टीम सब कमांडर की उंगली खा जाने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 1, हंग्री हंग्री हेडपुल। सबसे पहले दिखता है सब कमांडर, जो डेडपुल से वो सीरम मांग रहा था। इस पर डेडपुल कहता है, तुम वही हो ना जिसने हमारा चॉपर चुरा लिया था? जिस पर वो कहता है, हाँ, और मैंने ये बहुत गलत किया, लेकिन ये देखो उस जॉम्बी हेड ने मेरे साथ क्या किया। उसने मेरी उंगली काट ली, अब मुझे वो सीरम चाहिए इससे पहले कि मैं जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाऊँ। प्लीज़ मेरी मदद करो। जिस पर डेडपुल कहता है, तुम्हें ये चाहिए है ना, एंटी जॉम्बी पोचन, जो कि इस जॉम्बी यूनिवर्स में इकलौता है। इसके बदले तुम्हें $5 मिलियन देने पड़ेंगे। लेकिन बिल और बेटी उसे कहते हैं, इसे ये मत देना। लेकिन सब कमांडर कहता है, कुछ तो दया दिखाओ मुझ पर। जिस पर डेडपुल कहता है, दया? इसका मतलब तुम किसी और डेडपुल के बारे में सोच रहे हो। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे लिए स्लेव बन कर रहोगे, सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट ला कर दोगे, तभी मैं ये सीरम तुम्हें दूंगा। और वो सीरम उसे दे देता है। जिस पर डॉक्टर बेटी और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसे पीने के बाद सब कमांडर कहता है, इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है। डेडपुल एम एजेंट और एम सब कमांडर को अपने कॉप्टर में लेता है और बिल से कहता है कि अब फुल स्पीड के साथ चलो। जिस पर कंट्रोल पैनल पर बैठा जॉम्बी डेडपुल कहता है, और उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी जो एक कंट्री की तरफ जहां से वो कभी वापस नहीं आने वाले थे। तब जॉम्बी डेडपुल की आवाज़ उससे कहती है, तुम क्या खुद को नरेटर समझते हो? थोड़ी देर बाद बेटी डेडपुल से पूछती है कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि तुमने इन दोनों गधों को अपने साथ क्यों लिया। जिस पर वो कहता है, अगर जाते वक्त हमारे पीछे जॉम्बी लग जाए तो हम इन्हें चारे के तौर पर उनके सामने डाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद एम एजेंट उससे पूछता है, मुझे लगता है कि तुम हमसे किसी भी एक और कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद नहीं कर सकते मिस्टर विल्सन, क्योंकि तुमने हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अधूरा छोड़ा है, डेडपुल जॉम्बी हेड का, जिसे हम बायोलॉजिकल वेपन में बदलने वाले थे। तुमने हमें धोखा दिया तो अब इसका सवाल ही नहीं उठता। जिस पर डेडपुल कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे रिकैप का, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं चिंता करने के लिए, बजाय इसके कि मेरे परमानेंट रिकॉर्ड पर कोई धब्बा पड़े। तभी एम सब कमांडर जॉम्बी में बदलने लगता है, जिसे डेडपुल देखकर कहता है, तो ठीक है, जॉम्बी बनने में 80 मिनट्स लगते हैं। डेडपुल की ये बात सुनकर डॉक्टर बेटी उससे पूछती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिस पर डेडपुल उससे कहता है, मैं ये जानना चाहता था कि इनिशियल बाइट के बाद कितना समय लगता है किसी को जॉम्बी साइन शो करने में। तुम्हें सच में लगा कि मैंने उसे वो डोज दिया जो कि सीरम का था? ऐसा नहीं है। और बिल से कहता है कि हाईवे के ऊपर उड़ो। तभी एम सब कमांडर पूछता है, तो तुमने मुझे क्या दिया, मैंने क्या पिया? इस पर डेडपुल बताता है, मेरे पास 20 कैंस थे माउंटेन ड्यू के एयरपोर्ट पर, और मुझे हल्का भी होना था। तो जिस पर एम सब कमांडर कहता है, तो ऐसी बात है, तुम्हें एक जॉबी चाहिए था तो तुम्हें एक मिल गया। अब मैं तुम्हारा गला काटूंगा, तुम्हारी अंतरिया चबा जाऊंगा, तुम्हारा ब्रेन खा जाऊंगा, तुम्हारे लंग्स, हार्ट, सब कुछ। और तभी इतना सुनने के बाद डेडपुल और एम एजेंट उसे नीचे धक्का दे देते हैं हाईवे पर, जिसे देखकर डेडपुल रोने का नाटक करते हुए कहता है, डांबर पर गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। थोड़ी देर बाद एम एजेंट इस पर रोने लगता है, जिसे देखकर डेडपुल कहता है, रो नहीं, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, और मुझे एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हें उड़ता हुआ नीचे ना भेजूं उसके पीछे। इस पर वो कहता है, तुम जॉम्बी चारे के बारे में भूल गए। तो डेडपुल कहता है, ये अच्छा शॉट था। तब डॉक्टर बेटी उससे पूछती है, तो तुम कैलकुलेट क्यों करना चाहते थे कि जॉम्बी वायरस कितने देर में इफेक्ट करता है? जिस पर बिल कहता है, मत पूछो। लेकिन डेडपुल बताता है, ताकि मैं खुद को इससे बचा सकूं अगर मुझे किसी ने काट लिया तो। तब बिल कहता है, मुझे पता था इसलिए नहीं पूछना था। लेकिन जॉम्बी डेडपुल कहता है, तो तुम इसे अपना दुष्टता भरा क्लेवर प्लान समझते हो? और रीडर से कहता है कि हमारे साथ ट्यून रहो। लेकिन बाद में खुद से ही कहता है कि रीडर्स जाएंगे कहाँ, क्योंकि अभी तो पेज 7 ही चल रहा है। आगे एक फ्यूल टैंक बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग स्वैप में थे, जहाँ पर बिल कहता है, थोड़ी देर बाद हमारा एक टैंक खत्म होने वाला है। जिस पर बेटी पूछती है, कितनी जल्द? जिस पर वो बताता है कि अभी। ऐसा सुनते ही डेडपुल कहता है, तो वक्त आ चुका है सीट बेल्ट पहनने का। लेकिन इससे पहले ही शॉर्टी और डेडपुल दोनों ही हवा में थे और गिर जाते हैं उस कीचड़ में, जिसमें उतरकर डॉक्टर बेटी कहती है, फिर से यही, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, मैं जब घर जाऊँगी तो 3 दिन तक कोच पर लेटकर अपना मनपसंद टीवी शो देखूँगी।
जिस पर डेडपुल कहता है तब की तब देखेंगे, लेकिन अब हमारे पास जितने गन्स और एमओ है वो लो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। जहाँ पर बिल पूछता है ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, जिस पर गुस्सा होकर डॉक्टर बेटी कहती है तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो क्योंकि हम यहीं पर क्रैश हुए थे दूसरे डायमेंशन में। तब ज़ॉम्बी डेडपुल बिल से कहता है तो सुनो मेरे गधे, मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बताता हूँ लेकिन वो तुम्हारे भेजे के ऊपर से जाएगी, फिर भी सुनो। ये व्हील अपने वर्ल्ड के हिसाब से स्पिन करता है, इसका मतलब जो हो चुका है वो फिर से होगा और जिन्होंने अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखा वो तबाह होंगे और ये रिपीट होता रहेगा। जिस पर डॉक्टर बेटी गुस्सा होकर कहती है अपना मुंह बंद रखो स्टूपिड हेड, लेकिन इसे भी मजाक में लेते हुए ज़ॉम्बी हेड कहता है अखिया लड़ाओ कभी अखिया मिलाओ जरा चुप रहोगी। डेडपुल स्वैंप में सबसे कहता है तो अपने पजामे का और जूते का नाड़ा बांध लो और चलो, जिस पर बिल कहता है मैं यहाँ पर रह रहे एलिगेटर से बहुत डरता हूँ, वो जंगली बहुत बड़ी छिपकली होती है और मैंने सुना है कि फ्लोरिडा स्वैम्प्स उनसे भरी हुई है। जिस पर एम एजेंट कहता है और सांपों से, और डेडपुल कहता है कि लीचेस से भी, जिस पर डॉक्टर बेटी कहती है अपना मुंह बंद रखो मैं पहले ही बहुत सारा स्ट्रेस झेल चुकी हूँ और मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है और वो है वो छुपा हुआ जीव। और तब हम देखते हैं थिंग की आंखें। तभी दूसरी तरफ फ्लोरिडा स्वैम्प्स में कहीं पर चैप्टर 2 यानी के स्वैम्प ट्रैक रिप्राइज शुरू हो चुका था, जहाँ पर डेडपुल और उसके दो जॉम्बी साथी एलिगेटर्स को मार रहे थे और एक जॉम्बी कहता है डेडपुल क्या तुमने हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि हम खाने के बजाय किसी का खाना बन जाए। जिस पर डेडपुल कहता है क्या तुम लोकल वाइल्ड लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, और उन्हें मारते हुए वो जॉम्बी कहता है नहीं हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को खाने के लिए आए हैं ना कि नेचुरल वॉक के लिए। जिस पर डेडपुल कहता है गाइज दोस्तों जॉम्बी भाइयों सुनो तुम मुझे पूरी तरह से गलत समझ रहे हो, थोड़ा पेशेंस रखो मेरे पास एक प्लान है और वो ये है कि इस गेटवे के थ्रू हम दूसरे अल्टरनेट डायमेंशन में जाएंगे जहाँ पर यमी यमी फ्रेश मीट हमें खाने को मिलेगा। मैंने एक आर्मडिलो से सुना कि सिटी में उसने एम एजेंट्स को हंट करके खा लिया और एक बड़ा भद्दा सा टकला वहाँ से भाग गया, मुझे स्मेल मिली और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गया, इसलिए सिर्फ एलिगेटर्स पर ध्यान दो। तो यहाँ पर डॉक्टर बेटी डेडपुल से कहती है हम 5 मिनट बाद यहाँ से वापस निकलेंगे, जिस पर डेडपुल कहता है तो हमारे पास अब कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत टाइम है तो हम अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन तभी दोनों एम एजेंट्स बात कर रहे थे और ये सुनकर शॉर्टी कुछ से कहता है क्या उन्हें पता है कि मेरी भूख फिर से जाग चुकी है, उस एम कमांडर की फिंगर खाने के बाद वो फिर से जाग चुकी है, ऐसा लग रहा है कि बुझती हुई आग फिर से जल उठी है। तो फिर मैं अब तक यही इमेजिन कर रहा हूँ कि उस येलो कॉस्ट्यूम के नीचे कितना अच्छा मांस होगा, और ये देखकर बिल उसकी तरफ देखता है, जिस पर ज़ॉम्बी डेडपुल कहता है हाँ मुझे पता है कि मैंने बहुत जोर से बोल दिया लेकिन उसमें क्या। तभी डेडपुल कपड़े उतारते हुए कहता है तो अब मस्ती बहुत हो गई, अब हम नेक्सस की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरे प्लान को एक्शन में लाने का वक्त आ गया है। जिस पर डॉक्टर बेटी उसे देखकर कहती है मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसमें मैं और तुम इन्वॉल्व है और तुम अपने कपड़े उतारो। लेकिन तभी डेडपुल कहता है तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड मेरे काम के लिए परफेक्ट है, जो मुझे चाहिए एक सर्जन के तौर पर मेरी लेफ्ट आर्म काटने के लिए, और अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट करता है। जिस पर वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन डेडपुल कहता है डॉक्टर बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम उस बारे में सोचो जब मैंने तुम्हें प्रॉब्लम्स दिए, मैं तुम्हारे सोते वक्त गाना गाता था, मैंने तुम्हें डेंजर में डाला, और ये सब सुनकर डॉक्टर बेटी कहती है तो ठीक है ये करने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पर डेडपुल की लेफ्ट आर्म काट रही थी डॉक्टर बेटी, जहाँ पर डेडपुल चिल्लाते हुए कह रहा था डॉक्टर बेटी तुम इसे बहुत इंजॉय कर रही होगी है ना, और नीचे गिरकर डॉक्टर बेटी उससे कहती है ये कम्प्लीटली हॉरिबल था, अब मुझे ऐसा कुछ भी करने के लिए मत कहना। लेकिन डेडपुल कहता है तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा, इससे पहले कि मैं हील होना शुरू हो जाऊँ तुम्हें मेरे शोल्डर में एक बहुत बड़ा होल करना होगा, और वो आगे कहता है तुम्हें अपना करेज इकट्ठा करके ये करना ही होगा। तब डॉक्टर बेटी कहती है ठीक है लेकिन ये मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, और वो उसके कांधे में होल करती है, जिसके बाद डेडपुल पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगता है और एक पेड़ के सहारे खड़ा होकर कहता है तो डॉक्टर बेटी एक आखिरी काम करो जल्दी से मेडिकिट ले आओ जो हमने हेलीकॉप्टर से लाया था, और कुछ शूलेस भी चाहिए मुझे, और ज़ॉम्बी डेडपुल की तरफ इशारा करके कहता है और उस ज़ॉम्बी डेडपुल का हेड भी ले आओ। यहाँ पर ज़ॉम्बी डेडपुल और उसके दोस्त नेक्सस ऑफ रियलिटी के दरमियान एक चमक देखकर कह रहे थे तो चलो हमारे लिए फ्रेश मीट तैयार हो चुका है खाने के लिए, लेकिन
डेडपूल उन्हें समझाता है कि अभी इतनी जल्दी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले देखना चाहिए कि सब कुछ क्लियर है या नहीं, और उन्हें देख रहा था मैन थिंग। तभी दूसरी तरफ डेडपूल को देखकर डॉक्टर बेटी और बिल शॉक थे, लेकिन डेडपूल कहता है तुम चिंता मत करो, ये टाइम है डबल एक्शन का। और तब हम देखते हैं डेडपूल को, जो जॉम्बी डेडपूल को अपने कांधे पे लिए घूम रहा था, जहाँ पर जॉम्बी डेडपूल कह रहा था तुम मुझे ये बताओ कि मैं बैकवर्ड फेस करके क्यों हूँ। थोड़ी देर बाद डेडपूल और जॉम्बी डेडपूल का सामना होता है, जहाँ पर जॉम्बी डेडपूल उससे कहता है तुम्हें पता है मैं यूजुअली एक डिफिकल्ट गाय हूँ शौक देने के लिए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। इस पर डेडपूल कहता है बात कम और काटना ज्यादा। इसी दौरान दोनों पर अटैक करता है मैन थिंग, जिसे देखकर जॉम्बी डेडपूल कहता है वो देखो वो शेगी स्वैम्प फिर से आ गया, इसीलिए तुमने मुझे बैकवर्ड फेस किया है ना। और ये देखकर जॉम्बी डेडपूल के दो दोस्त कहते हैं हमें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये सब देखकर डॉक्टर बेटी बिल और एमेजन से कहती है कि चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी तरफ डेडपूल जॉम्बी डेडपूल और शेगी स्वैम्प से लड़ रहा था, और इन सभी में लड़ाई हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर आ जाता है वुडू, जहाँ पर चैप्टर 3 शुरू होता है, जिसका नाम है ब्रदर कैन यू स्पेयर मी सम वुडू। जिसे देखकर डेडपूल कहता है डॉक्टर वुडू आ चुके हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जॉम्बी वुडू है। जहाँ पर वो कहता है मेरी हंगर मुझे यहाँ तक ले आई, मैंने नेक्सस में एक सेंसेशन फील की मेरे काउंटर पार्ट की, और अब इसके थ्रू जाकर मैं खुद के लिए उस डायमेंशन में जाऊँगा जहाँ पर फ्रेश मांस हो। और इतना सुनते ही सभी लोगों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर एम एजेंट को खा लेता है एक जॉम्बी, और दूसरी तरफ जॉम्बी डेडपूल जॉम्बी हेड को डेडपूल के कंधे से हटाकर कहता है अब 1 vs 1 इक्वल हो गया। लेकिन डेडपूल और जॉम्बी डेडपूल आमने सामने थे, जहाँ पर डेडपूल उससे कहता है कॉन्ग्रेट्स तुम्हारे पास फुली फंक्शनल लिम्स तो है, लेकिन तुम्हारे पास एक और चीज़ नहीं है जो मेरे पास है। जिस पर वो कहता है और वो क्या है, और वो कहता है कि मेरे पास दोस्त है। और तभी वो देखते हैं कि बिल और बेटी ने उस पर गन तान रखी है, और दोनों ही उसके सर को उड़ा देते हैं। बाकी बचे दो जॉम्बीज जाते हैं वुडू को मारने, लेकिन वुडू उन्हें भी मार देता है और आगे बढ़ता है डेडपूल को मारने के लिए, लेकिन तभी एलिगेटर्स आकर उसे खा लेते हैं। और आगे डेडपूल वो सिरम पी लेता है, क्योंकि उसके हिसाब से थोड़ी देर बची थी उसे जॉम्बी बनने में, क्योंकि उसने जॉम्बी डेडपूल का सर अपने कांधे पर लिया था, इसलिए उसका जॉम्बी वायरस उसके अंदर फैलने लगा था। और वो जॉम्बी हेड को उठाकर जॉम्बी डेडपूल के सर पर रख देता है और कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया। लेकिन पूरी बॉडी मिलने के बाद जॉम्बी डेडपूल दूसरे डायमेंशन में चला जाता है खाना ढूंढने के लिए, जिस पर डेडपूल कहता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और वहीं से फिर से कहानी शुरू हो जाती है, जो हमने पहले ही कवर की है मार्वल ज़ॉम्बीज 4 में, जिसकी लिंक आपको आईकार्ड में मिल जाएगी, तो आप उसे इंजॉय कर सकते हैं, और इसके बाद ही हैप्पी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करें इस वीडियो के बारे में, बताएं हमें कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपके सजेशंस और कमेंट्स दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ। धन्यवाद और जय हिंद।